राज्यपाल महाविद्यालय छपरा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 3 दिवसीय संगम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ। तीसरे और अंतिम दिन रंगारंग देशभक्ति गीत और देशभक्ति नृत्य छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया। संगम सांस्कृतिक महोत्सव के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इरफान अली ने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वो महाविद्यालय को एक बेहतरीन लर्निंग सेंटर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास विभाग ने सभी विभागों के समन्वय से इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन करके एक मिसाल पेश की है। आयोजकों में डॉक्टर अनीता, डॉक्टर तोशी, डॉक्टर एमन रियाज आदि शामिल थे। समापन भाषण प्रोफेसर शकील अहमद अता ने अदा किया। अपने भाषण में उन्होंने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर शायान, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर धमेंद्र, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर विद्याधर, डॉक्टर राजू आदि उपस्थित थे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। लेकिन बीच में आप देख ही रहे कोरोना की वजह से जो है थोड़ा सा इसमें ब्रेक हुआ था, तो फिर से उसको गति में लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको पहले पता होगा कि इसके बाद खेल को इत्यादि का किया जाएगा। कुछ दिन पहले भी हमने वहां पर भी एक कार्यक्रम किया था, आगे भी इस कार्यक्रम को कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जीवंतता मतलब वो एजुकेशन विथ कल्चर हमारा इम्पार्ट करना बच्चों छात्र समझे इस बात को। बिल्कुल अध्ययन अध्यापन के साथ साथ वो अन्य एक्टिविटी एक्स्ट्रा कल्चर एक्टिविटी इसलिए मैं वो बात अधिक से अधिक कर सके, इसलिए उनके चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजन की श्रृंखला लगातार पहले भी थी, बीच में कभी टूट गई थी, आगे भी जारी रहा। रंगोली प्रतियोगिता बहुत सारे कार्यक्रम का एक मजमुआ संयुक्त प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है बच्चों को उत्साहित करने के लिए। काफी दिनों से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, लेकिन जब ऑफलाइन में आ गया है तो बच्चों में एक फिर से ताजगी आए, रिफ्रेश हो, फिर से एक ताजा माहौल बने, मोनोटोनस ना हो। उस मोनोटोनस के तोड़ने के गरज से ये इस तरह के विभिन्न तरह के प्रोग्राम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। जैसे कितने दिन का ये आयोजन है, कौन कौन से कार्यक्रम? ये 4-5 दिन तक का काम चलता रहेगा। इसके बाद वाद विवाद भी होगा, क्विज होगा, उसके बाद ऐसे सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, कुछ नृत्य प्रोग्राम होगा, पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। इसमें सिर्फ छात्र छात्रा ही, कॉलेज के छात्र छात्रा ही, छात्र छात्राओं को ही इसमें भाग लिया जा रहा है, ताकि ये नया जोश आवे और इस काम को आगे बढ़ाने का एक और मकसद हिडन मकसद ये है कि हम लोग नाइक में जा रहे हैं। नाइक के द्वितीय चक्र यानी सेकेंड साइकिल हमारा अक्टूबर में खत्म हो रहा है, तो इसको और हम प्रमाण चढ़ाएं, इसलिए इसमें हम लोग सबकी सहभागिता लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी 20% बच्चों से नायक वाले अब डायरेक्ट पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब कॉलेज में कभी ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट टाइम इतने 3 साल में ये हम लोग फर्स्ट टाइम किए लोग, मैं थर्ड ईयर में हूँ, ये पटपट में हिस्ट्री ऑनर्स के और बहुत अच्छा लगा ये सब। क्या कहोगे इस तरह के कार्यक्रम आयोजन को लेकर, क्या कैसा लगा? कैसा बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना ही चाहिए कि बच्चों अपने मतलब कोई भी अपना ये करना चाहता है जैसे मन में है तो ये बात दिखा सके। अरे बच्चे के अंदर कला छिपा रहता है तो छिपी रहती है तो वो ऐसे उभर के बाहर आएंगे, तो इस तरह का मौका जब मिलेगा, मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? हम लोग का ये नजरिया रहा हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ अगर वो नियमित कॉलेज आ रहे हैं तो साथ में उनकी बहुमुखी प्रतिभा जो है वो भी उभर के सामने आए, और इन सब के आयोजन से बच्चों के जो अंदर छिपे हुए जो प्रतिभा है उनको आगे आने में उनका धैर्य, सबसे बड़ी बात है कि उनकी एनर्जी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो आने वाले सिर्फ शैक्षणिक जगत ही नहीं उनके जीवन के हर क्षण में ये सहयोगी साबित होंगे। क्योंकि जो ये काम क्योंकि 2-3 अभी तक जो इनके अंदर कल्पनाएं हुई, जो वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो वो प्रतियोगिता दे रहे हैं, और सही समय टाइम बॉन्ड चूंकि ये प्रतियोगिता हुई है कि इतने ही समय में आपको बना लेना है, तो ये सब चीजें जो मैनेजमेंट है या प्रबंधन है इन छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा, और साथ में ये सब उभर करके सामने आए और वो अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचाने, बस ये हमारा मोटो है कि वो अपनी प्रतिभाओं से स्वयं करें। हमारा इसमें क्या सहयोग है? हमारा इसमें कोई सहयोग नहीं है, जो हमारा कार्य है, जो हमारी ड्यूटी है वो सिर्फ प्रोत्साहित करना, अपना प्रोत्साहित किया, लेकिन मेन थीम यह है
हमारी ये उद्देश्य है, मेरी यह सोच रही कि बच्चे खुद अपने को पहचाने कि हाँ हमने किया, सबसे मुझे प्रशंसा मिला, नहीं तो कौन अगर ये केवल हिडन रह जाए, बच्चे के अंदर कुंठित हो जाए, प्रतिभाएं दब जाएंगी, प्रतिभाएं दब जाए, सिर्फ किताब कॉपी और शिक्षा वो तो खैर है ही, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना इसे मैं छात्रों की बहुत जरूरी है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।